हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कवर न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था 1880 में इसे बाय द कोलिकर इन इंसेक्ट मसल सेल। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किसने ऑब्जर्व किया था? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व किया था कोलिकर ने। कब? इन 1885 में मसल सेल थे इंसेक्ट के अंदर, उसके अंदर उसको स्टडी किया था। और जो फ्लेमिंग था, फ्लेमिंग ने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट नाम दिया था इसने। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट। और इको बायोलॉजिस्ट का नाम था बेंडा ने इसको नेम्ड किया था माइटोकॉन्ड्रिया। बेंडा नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया। राइट। तो एक्चुअल जो टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं, एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म होती है, इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है किसने दी थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दी थी, तो आप लिखोगे यहां पे बेंडा के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फसली किसने डिस्कवर किया था, तो आप बोलोगे कोलिकर के द्वारा। राइट। किसमें किया था? इन इंसेक्ट मसल सेल में 1880 के अंदर इसको किया था। लेकिन जो फ्लेमिंग था, फ्लेमिंग ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया गया था। इसने क्या नाम दिया इसको? बायोब्लास्ट। इसके अलावा अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, देखें डायग्राम के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इन एनिमल सेल सेकंड सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होती है, आफ्टर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो सेल होती है इन द एनिमल, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इन द प्लांट इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। सो टू द लार्जेस्ट है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो बनती है न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होती है। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से, इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में थर्ड सबसे लार्जेस्ट होता है और एनिमल में क्या होता है? सेकंड सबसे लार्जेस्ट होता है। इसका डायग्राम देखें तो इसके डायग्राम के थ्रू आप देखोगे इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप को बोलते हैं सुसेज शेप बोलते हैं। सुसेज शेप का मतलब होता है हल्का अंदर से डिप्रेस्ड होता है ये अंदर की तरफ, इसी स्टेज को कहते हैं सुसेज शेप। और इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर इस तरह स्ट्रक्चर मिलता है आपको, दिस लाइक ऑफ स्ट्रक्चर्स इस तरह के सबसे मिलते हैं आपको। दिस द इनर मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाएगी? दिस द इनर मेम्ब्रेन। इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको इस तरह के एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पिलर लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिकली हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, इसको प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि इन पिलर्स को कहते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीसोम। ये क्रैब साइकिल के बाद जो रिएक्शंस होती हैं उसमें एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर होंगे। दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज ऑक्सीसोम। इन्हें क्या बोलते हैं? तो दिस इज द ऑक्सीसोम, इसका नेमिंग मेंशन करूंगा मैं। तो ये होता है इसका, दैट इज इट्स अ सर्कुलर डीएनए, ये एक सर्कुलर डीएनए होगा। एंड इसके अंदर आपको दैट्स, यहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट, सॉरी यहां पे आपको राइबोसोम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दिस द राइबोसोम स्ट्रक्चर्स, ये राइबोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इट्स आउटर मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन।
जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आयंस के लिए परमेबल होती है, मोस्ट ऑफ द आयंस के लिए परमेबल होगी, यानी इसके अंदर आयंस होते हैं वो इजिली पास हो सकते हैं इसके थ्रू, बिकॉज इट हैज ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटीन चैनल्स। इसके पास क्या होंगे, बहुत सारे प्रोटीन चैनल आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह का पुट हुआ है कि बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन चैनल का के नंबर जो होते हैं किस में ज्यादा होते हैं, और दोनों में जो होते हैं प्रोटीन चैनल के जो नंबर होते हैं वो आउटर द मेम्ब्रेन होते हैं उसमें ज्यादा होंगे। एंड दिस प्रोटीन चैनल्स इज एक्चुअली नोन एज पोरिंस। क्या बोलते हैं, पोरिंस कहते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन नोट है प्रोटीन चैनल, वहां पे क्वेश्चन आया था पोरिंस के नाम से, पोरिंस के नंबर किस में ज्यादा होते हैं, दैट्स इन द आउटर मेम्ब्रेन। फिर ये मेम्ब्रेन होती है, दिस इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इम्बर इनर मेम्ब्रेन जो होती है एक एक विशेष तरह का सब्सटेंस होता है, जैसे उन्होंने कोनिडियन, एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है कोनिडियन, ये लिपोकोनिडियन बोलते हैं इसको। लिपोकोनिडियन जो फॉर्म होती है ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है, इससे रिच होती है, इसमें पास प्रोटीन कंटेंट कम होता है एज कंपेयर टू आउटर के कंपेयर में, लेकिन इसके पास लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है। और ये जो होती है फ्यू मोलिक्यूल्स के लिए, फ्यू आयंस के लिए ही परमिएबल होती है, यानी इसके थ्रू जो होते हैं कुछ ही आयंस होते हैं वो पास हो सकते हैं, सभी मोलिक्यूल्स के थ्रू पास नहीं हो सकते, राइट। एंड दिस फोल्डिंग्स, दिस फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये फोल्डिंग्स होती है, दिस फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इनको, क्रिस्टी कहते हैं, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। And this is known as ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम आर द साइट, एज यू नो एक प्रोसेस होती है दैट इज नोन ETS। ETS एक प्रोसेस होती है, वी डिस्कस इन द प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। ETS में ETC also known as ETC, ETC और ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो अल्टीमेट एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन, जो अल्टीमेट एक्सेप्टर होता है ETS में, दैट इज द ऑक्सीसोम। इसी वर्ड से यहां पे क्या आता है, ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सी वर्ड का मतलब ऑक्सीजन, तो इट्स द अल्टीमेट एक्सेप्टर होगा इसके अंदर ETS के अंदर। और इसके अंदर से ATP भी रिलीज होती है, जर्नली इससे एक ATP रिलीज होती है, तो ऑक्सीसोम होता है। एंड दीज आर नोन एज 70S राइबोसोम। ये क्या होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं, एंड इट इज द सर्कुलर DNA, सर्कुलर DNA होता है, राइट। और जो ये इनर मैट्रिक्स होता है, दिस द इनर मैट्रिक्स, ये इनर मैट्रिक्स है, ये इनर मैट्रिक्स होगा, दिस इनर मैट्रिक्स इज रिच विद द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम रिच होगा ये, दिस इज नोन एज इनर माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स, कॉन्ड्रियन मैट्रिक्स, राइट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज द रिच विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से रिच होता है, इसके अंदर काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अंदर हाई अमाउंट क्यों मिलती है, क्योंकि जहां पे राइबोसोम जो प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम, ये राइबोसोम आपको पता है, और राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम की हेल्प से ही प्रोटीन बनती है, और यहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म भी होती है, दैट इज नोन ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक ट्राई न्यूक्लियोटाइड होता है। ट्राई न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जो बेस पेयर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें तीन फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। आपने DNA पढ़ा हुआ है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, वो जनरली मोनोफॉस्फेटिक फॉर्म में होते हैं। एडेनिन को लिखेंगे AMP, यानी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट,
थायमिन को लिखेंगे थायमाइड एंड मोनोफॉस्फेट, तो इस तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। लेकिन जो फ्री न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो जनरली ट्राइफॉस्फेटिक फॉर्म में होते हैं, लाइक एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये ट्राइफॉस्फेटिक जो फॉर्म होती है इसको फॉर्मेशन करने के लिए मैग्नीशियम आयन कंपल्सरी होते हैं, और इसके अंदर जो प्रोटीन बनती है ये सारा प्रोसेस जो चलाती है ना, जैसे क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल आप सभी ने पढ़ा हुआ, रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल आता है। क्रैब साइकिल पूरी प्रोसेस को चलाने के लिए लोड ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे मैलिक एसिड हो गया, अस्पार्टिक एसिड हो गया, लाइक सिट्रिक एसिड फॉर्म होगी, या अदर लाइक कीटोग्लुटारिक एसिड, इस तरह की तो फॉर्म होती है, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म होती हैं। वो सारी जो प्रोटीन होती है इसके अंदर ये राइबोसोम्स बनाते हैं, और राइबोसोम की असेंबली होती है वो भी विदाउट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं हो सकती है, राइट। तो इसके लिए भी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन होते कंपलसरी होते हैं, राइट। असेंबली स्पेशली मैग्नीशियम आयन कंपलसरी होता है, तो इसलिए इनर मैट्रिक्स जो होता है इसे रिच विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स। नॉट ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, इसके अंदर आपको काफी सारे आयरन पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं, लाइक सम आयरन पार्टिकल लाइक यू क्यू, सम आयरन पार्टिकल्स यू क्यू फॉर्म होती है, एफ पी एस होती है, राइट। ये फॉर्म यू क्यू का मतलब होता है यूनिक्योन वन, एज यू नो आपने फोटो सिस्टम आपने किया हुआ लास्ट ईयर, फोटो सिस्टम में डिस्कस किया था यूनिक्योन वन, एफ पी एस, आयरन सल्फर प्रोटीन, राइट। तो ये कुछ एसेप्टर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के जो आपको इनर मैट्रिक्स में जनरली आपको देखने को मिलेंगे। इन एसेप्टर के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा इन द प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, राइट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। और इस ये तो आउटर मैट्रिक्स होता है, ये आउटर मैट्रिक्स होता है, यहां पर यह क्या होता है, दिस इज द आउटर मैट्रिक्स, आउटर मैट्रिक्स हो गई। ये जनरली परमेबल होता है, इसके अंदर जनरली सटल सिस्टम होता है, एक सिस्टम बनेगा जिसका नाम है सटल सिस्टम, याद रखना। सटल सिस्टम एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सबसे कॉमन आता है एस्पार्टिक सटल सिस्टम, जो कि मैं प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करूंगा इसके बारे में भी, रेस्पिरेशन के अंदर। सटल सिस्टम जो सिस्टम बनता है जिसके अंदर लोड ऑफ एटीपी निकलती है, और वही सटल सिस्टम होता है इस आउटर मैट्रिक्स में होगा, राइट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होता है, दिस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया।